अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार की सारी व्यवस्थाएं करके और बात कर लें। और कोई बात? और सर उसमें एक चीज ये है कि 2017 में सर्वे हुआ था, अब बहुत से क्या पति पत्नी है ड्यूटी चले जाते हैं, उनका सर्वे ही नहीं हुआ जबकि वोट डाल रहा। सर जो है हकदार पेंशन लेने वाले आज जो सारे श्रमिक और मेरे व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं, हमको ये 2095 से पेंशन लागू है, पर आज तक हमारा एक रुपया भी नहीं बढ़ा। हमको 600 से लेकर 1000 रुपये तक की पेंशन मिलती है, हमको किसी प्रकार की शासन की कोई सुविधा नहीं मिलती है। हम कई बार केंद्र शासन को राज्य शासन को इस बारे में ज्ञापन दे चुके हैं, श्रम मंत्री से ही मिल चुके हैं, मगर आज तक हमारे किसी प्रकार का निर्णय नहीं हुआ है। आज हमको 75 साल 75 साल की उम्र में भी याचक बन के घूमना पड़ता है, वह दयनीय स्थिति है। हम चाहते हैं शासन हमको सम्मान से ज़िंदगी जीने का हक दे और हमारी पेंशन बढ़ी जाए। अभी आप कहाँ पहुँचे थे और क्या मामला था? अभी हम भाजपा कार्यालय में हमारे ज्ञापन देने आए थे। हमारा जो राष्ट्रीय यूनियन है उसके माध्यम से त्यौहार कि अपने क्षेत्र के सभी सांसद भाजपा अध्यक्ष और सभी अधिकारियों को ज्ञापन दें। हमारा राष्ट्रीय संगठन जंतर मंतर पे अभी भी आंदोलन कार्य में बैठा हुआ है, अभी तक शासन के द्वारा कोई निर्णय नहीं हुआ है। हमने शासन को हमारे पेंशन में से पगार में से बहुत सारा फंड 8.33 का फंड देकर वो पेंशन के लिए धन जमा किया, मगर जिन लोगों ने कुछ पैसा जमा नहीं किया उनको पेंशन मिल रही है और हमारा पैसा होने के बाद भी हमको कुछ भी नहीं मिल रहा, जबकि हमने पेंशन का फंड दिया है सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिकांत वजे, ईपीएफ पेंशन का, मैं मध्य प्रदेश का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। हाँ, गिरधर शर्मा बोल रहा हूँ मैं। सर हमारा ये मुद्दा जो पेंशन का है, 2014 में जैसे ही हमारी भाजपा सरकार आई थी वहाँ जब हम संसद में हम खुद संसद में बाहर खड़े हुए थे, प्रकाश जी जावड़ेकर जी ने यह आश्वासन दिया था और मुद्दा भी कहा था कि अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हमारी पेंशन आपको हम 3000 रुपये हम डी देंगे। जावड़ेकर जी को हमने 3 बार लिखा, जावड़ेकर जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद हमने लोकसभा में इस प्रश्न को उठाया, सभी सांसदों ने लोकसभा में इस प्रश्न उठाया, लोकसभा में यह पारित हो गया था। इसके बाद राज्यसभा में यह रिपोर्ट 147 नंबर रिपोर्ट राज्यसभा में पहुंच चुकी थी, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा होने के बाद भी सरकार ने हमारी पेंशन पर कोई ध्यान नहीं दिया और आज हम 1200 रुपये हम पेंशन में हमारा जीवन निर्वाह कर रहे हैं। 6000 रुपये किसानों को दे रहा हूँ फोकट में, इनको जिनका कोई अंश नहीं है, 50-50 हज़ार लोगों को पेंशन दी जा रही है, लेकिन हमारा फंड जमा हुआ है, हमारा 1250 रुपये प्रति माह फंड जमा हुआ है सरकार के पास 1995 से, लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने हमारी पेंशन को वृद्धि में कोई सही, प्रधानमंत्री जी को संज्ञान में भी है, श्रम मंत्री गंगवार जी आए, गंगवार जी को हमने लिखा था, खड़गे जी को लगा, हमने सेंटर में सभी प्रमाण सभी मंत्रियों को हमने आवेदन लगा चुके हैं और निवेदन कर चुके हैं, लेकिन आज तक सरकार ने हमारा अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, हमारा हम 1200 रुपये हमको पेंशन मिलती है, इसके बाद हमने कहा ना तो हमारा गरीबी रेखा में कार्ड बनाया जा रहा है, ना हमारा आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, ना हमको कोई गरीबी रेखा में लिया जा रहा है, ना बीपीएल सूची में लिया जा रहा है, समझ समाज हम बिल्कुल पिटे हुए हैं और हम अल्प पेंशन में हमारा जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इसलिए हमने ये राष्ट्रीय स्तर से हमको ये आदेश हुआ है कि सब अपने सांसद अपने क्षेत्रीय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वगैरह को सबको आप एक एक ज्ञापन दीजिए, उसमें निवेदन करिए, अगर निवेदन नहीं दिया गया तो हम इस नोटा का प्रयोग करेंगे। हम कम से कम 25,000 मजदूर पेंशन और मजदूर हैं, हम 25,000 रिवाज में केवल 70 लाख प्रतिनिधि हमारे ऑल इंडिया में है, लेकिन हम देवास में हम इसका चुनाव का बहिष्कार करेंगे। 70,000 25,000 लोग और हमें पूरे परिवार को उनको लोगों को परेशान करेंगे कि भाई नोटा का प्रयोग किया जाए, अगर सरकार सुन लेती हमारी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार हमको सुन नहीं रही हमारा, इसके हम ये निवेदन के लिए हमने ज्ञापन दिया है। यहाँ पर कलेक्टर को दे चुके हैं हम, SDM को दे चुके हैं हम, इसके बाद महापौर को भी हम दे चुके हैं, सबको हम अवगत करा चुके हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों को कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। आपका नाम? गिरधर शर्मा, विष्णु कॉलोनी में रहता हूँ। और क्या पद है आपको? जी मैं प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश औद्योगिक पेंशन संघ, आप वजह जी अध्यक्ष बोल दो सर, आड़े से बड़े बांध रहे हैं, इनके पास जाओ।